गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके सिक्स क्लास के लेसन टू पदार्थ और पदार्थों के समूह को पढ़ाने जा रहे हैं। तो पदार्थ और पदार्थों के समूह में वस्तुओं के समूह बनाना क्या होता है? एक वस्तु एक या अनेक पदार्थों से बनी होती है। एक वस्तु कई प्रकार के पदार्थों से बन सकती है। कोई वस्तु प्राकृतिक होती है, मतलब प्रकृति में पाई जाती है फ्रीली, या संश्लेषित हो सकती है, मतलब बनाई जा सकती है। पदार्थों में द्रव्यमान होता है और ये स्थान लेता है। पदार्थों का वर्गीकरण हम करते हैं। पदार्थों को कई लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों के तीन प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर तीन अवस्थाएं होती हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया, ठोस पहला, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस किसे कहते हैं? जिस पदार्थ के आकार और आयतन निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं, जैसे पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक, नमक, स्टील, बर्फ, कांच आदि। द्रव किसे कहते हैं? जो तरल होता है, पानी जैसा होता है। जिस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। द्रव का आकार बर्तन के आकार का हो जाता है, जैसे पानी, तेल, दूध आदि। गैस, जिस पदार्थ के आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं उसे गैस कहते हैं। इसका उदाहरण है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं आदि। तो बगल में चित्र दाहिने हाथ बना है, तो उसमें कुछ वस्तुएं हैं, पुस्तक, गिलास, कुर्सी, खिलौना, जूते। तो इसमें पुस्तक में पदार्थ क्या यूज़ हुआ है? कागज। गिलास में कांच, लकड़ी या प्लास्टिक का भी हो सकता है। कुर्सी लकड़ी या प्लास्टिक की बनी हो सकती है। खिलौना कांच, लकड़ी, प्लास्टिक का बना हो सकता है। और जूते कैसे होते हैं? चमड़े के बने हो सकते हैं, प्लास्टिक के बने हो सकते हैं। अब इसी तरह से इंग्लिश में ठोस को सॉलिड कहते हैं। तो सॉलिड का आकार और आकृति दोनों निश्चित होता है। लिक्विड इनका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। और सॉलिड में क्या होता है? इनका दोनों निश्चित होता है। वाटर जैसे इसमें है, तो वाटर वेपर दिखाई दे रही है, तो वाटर वेपर गैस कहलाती है ना। तो इनका ना तो आकार निश्चित होता है, ना तो इनका आयतन निश्चित होता है। दिखावट के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। अलग अलग पदार्थ दिखने में अलग अलग लगते हैं। किसी भी पदार्थ की दिखावट उसके रंग, कठोरता, गठन, चमक आदि पर निर्भर करती है। दिखावट के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है, कठोर या कोमल। कुछ पदार्थ कठोर होते हैं और कुछ मुलायम होते हैं। तो मुलायम वाले को हम सॉफ्ट कहते हैं। इसमें कुछ चित्र में बना हुआ है ना, रबर है, कॉटन है ना, इसी तरीके से लेदर की बेल्ट बनी हुई है, ऊन बना हुआ है, और फैब्रिक जो कपड़े होते हैं सब सॉफ्ट होते हैं छूने में, तो इनको हम कोमल कहते हैं। और कठोर, जिस पदार्थ को आसानी से संपीड़ित, मतलब दबाया नहीं जा सकता है और जिस पर आसानी से खरोंच नहीं लग सकती, उसे कठोर कहते हैं। उदाहरण हीरा, पत्थर, लकड़ी, इस्पात आदि। हीरा अब तक के ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। बगल में हार्ड लिखा है, तो ये कठोर पदार्थ हैं, जैसे लकड़ी है, मेटल है, प्लास्टिक है, ईंट है, स्टोन यानी पत्थर है, और कप हैं सिरेमिक के, आइस है, ये कठोर है, डायमंड है, और कांच का ग्लास है, सब कठोर पदार्थ हैं। कोमल, जिस पदार्थ को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, जो ऊपर भी हमने बताया है, और जिस पर आसानी से खरोंच लग सकती है उसे कोमल पदार्थ कहते हैं, जैसे चौक, रुई, रबर आदि। जल में घुलनशीलता के आधार पर विलय या अविलय। विलय जो पदार्थ आसानी से पानी में घुल जाते हैं उन्हें जल में विलय या घुलनशील कहते हैं। जैसे चीनी, नमक, फिटकरी, ये पानी में घुल जाते हैं और पानी को सार्वभौमिक विलायक माना जाता है। विलायक मतलब जिसमें पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए विलयता की परिभाषा में जल का उपयोग किया जाता है। अविलय जो पदार्थ पानी में नहीं घुल पाते उन्हें जल में अविलय या अघुलनशील कहते हैं। उदाहरण रेत, मिट्टी, चौक, चावल आदि। अब इसमें देखिए, एक टेबल बना है, पदार्थ का नाम दिया चीनी, जल में विलय है तो टिक लगा दिया, कैसे जाना? प्रयोग करके। फिर लकड़ी का बुरादा, जल में नहीं घुलता है, जल में अविलय है, कैसे देखा? प्रयोग करके देखा, और आप भी प्रयोग करके देखिएगा। फिटकरी है, पानी में घोला घुल गई, इसको भी प्रयोग करिएगा, घर में फिटकरी होती है। मोम को पानी में घोला नहीं घुली, तो जल में अविलय है। लोहे की छीलन को पानी में घोला नहीं घुली, तो ये अविलय है, इसको भी हमने प्रयोग करके देखा और आप भी प्रयोग करके देखेंगे। पारदर्शिता के आधार पर
पारदर्शी, जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से गुजर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ के आर पार साफ साफ देखा जा सकता है, उदाहरण कांच, पानी, हवा, प्लास्टिक की पतली शीट आदि। अब पारदर्शी में आपके क्लास में बैठती हैं तो शीशे खिड़की में लगे रहते हैं जिससे आप बाहर का देख लेती हैं, तो ये कांच है, है ना। इसी तरह पानी में कोई चीज़ आप डाल दीजिए ग्लास में तो आपको दिखेगा अंदर पानी में डूबा हुआ। इसी तरह अपारदर्शी है, जिस पदार्थ से प्रकाश नहीं गुजरता उसे अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ के आर पार नहीं देखा जा सकता है, जैसे लकड़ी, लोहा, एस्बेस्टस है। अगर अपने आँख के सामने आप लकड़ी का पटरा लगा के दूसरी तरफ देखें तो दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो इसको हम अपारदर्शी कहते हैं। फिर आता है पारभाषी, कुछ पदार्थों से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है, ऐसे पदार्थ के आर पार धुंधला दिखाई पड़ता है, ऐसे पदार्थ को पारभाषी कहते हैं। जैसे ट्रेसिंग पेपर, जैसे आर्ट में आप करती हैं, आपको डायग्राम बनाना है तो ट्रेसिंग पेपर पे पहले उसको स्केच कर लेती हैं, फिर उसको जो है दूसरे पेपर में ड्रॉ करती हैं। इसी तरह पतला पर्दा आर पार हम देख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे प्रकार को हम पारभाषी पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट आता है धात्विकता के आधार पे। धातु जो पदार्थ कठोर होता है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है और जिसमें चमक होती है, धात्विक चमक होती है, उसे धातु कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। अधातु जो पदार्थ भंगुर होता है, मतलब टूट जाता है, उष्मा और विद्युत का कुचालक भी होता है, जिसमें बिजली नहीं दौड़ती है और जिसमें विद्युत चमक नहीं होती, उसे अधातु कहते हैं, उदाहरण लकड़ी, कोयला, प्लास्टिक आदि। उपधातु वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमिनी और टेल्यूरियम। ये 6 प्रायः उपधातु होते हैं। कार्बन, अल्मोनियम, सेलेनियम, पोलोनियम आदि को भी कुछ सीमा तक उपधातु कहा जाता है। फिर पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है, है ना। तो पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, वो सूक्ष्म कण कहलाते हैं अणु और परमाणु। अणु किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान में तत्व तथा यौगिक का वो छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें द्रव्य के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, उसे अणु कहते हैं। इसके बाद है परमाणु। एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक या इकाई है जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। हर ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा, तटस्थ या आयनन परमाणुओं से मिलकर बने हैं। तो बच्चों आज इसी के साथ आपका सेकंड लेसन खत्म हुआ है। इसको वीडियो देख के बार बार समझिएगा और इसके बाद हम जो प्रश्नोत्तर देंगे उसको अपनी कॉपी में करके हमें पर्सनल मैसेज में सबमिट कर दीजिए।